नमस्कार दोस्तों, हम लोग लगातार अंग्रेजी का अध्ययन कर रहे हैं। हम लोगों ने सबसे पहले लेटर टू गॉड पढ़ा प्रोज के अंतर्गत, फिर दो पोयम का अध्ययन किया। आज हम लोग प्रोज के अंतर्गत नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का अध्ययन करेंगे। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, देखिए लेसन को। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला, स्वतंत्रता की लंबी राह। नेल्सन मंडेला ने एंटी अपार्थीड मींस रंग भेदी नीति के खिलाफ संघर्ष किया। वो एक क्रांतिकारी नेता के रूप में उभर करके, जो अपार्थीड रंगभेदी राजनीति की प्रक्रिया थी जो लोगों को उनके जाति और धर्म के अनुसार अलग करती है, के खिलाफ संघर्ष किया। 300 साल के शासन के बाद उन्होंने अश्वेत लोगों को आगे लाया और रंगभेद की नीति को ख़त्म किया। नेल्सन मंडेला वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। ही वॉज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ व्हाइट रूल। नेल्सन मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंट ए लाइफ टाइम स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड। एट लास्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड एंड ही गॉट विक्ट्री। इन दिस वे इन द इनॉग्रेशन पीपल आर लीडर्स ऑफ सो मेनी कंट्रीज गेदर टुगेदर टू वेलकम नेल्सन मंडेला। तो इनॉग्रेशन में नेल्सन मंडेला ने इसको दर्शाया है कि यह इनॉग्रेशन कैसा रहा। तो नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के ब्लैक प्रेसिडेंट हुए। इनॉग्रेशन सेमरनी जो टू प्लेस इन यूनियन बिल्डिंग एमपी थिएटर इन प्रेटोरिया टुडे, मतलब प्रेटोरिया में एमपी थिएटर में इनॉग्रेशन समारोह जो है समारोह संपन्न होता है। और इस समारोह में 140 देशों से अधिक गणमान्य व्यक्तियों और नेताओं ने सम्मानित व्यक्तियों ने भाग लिया। और इस समारोह में, इस उद्घाटन के समारोह में नेल्सन मंडेला ने कहा, अब इस तरह का सूर्य कभी नहीं उदय होगा। अब जो लोगों के प्रति अन्याय की भावना थी वो खत्म होगी और अफ्रीका की धरती पर नया सूर्य उगेगा, नए सूर्य का उदय होगा। अब आगे हम देखते हैं लेसन को, लेसन का हम लोग अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का अध्ययन करेंगे। अब लेसन को हम देखते हैं और आगे बढ़ाते हैं। द सेंचुरीज 10th May dawned bright and clear. For the past few days I had been pleasantly besieged dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. Inauguration, coming to pay their respect before the inauguration, the inauguration would be the largest gathering of international leaders on South African. अब आप देखिए, 10 मई की सुबह बड़ी स्वच्छ और चमकदार थी। 10th मई डॉन्ड ब्राइट एंड क्लियर, 10 मई की सुबह जो थी बहुत स्वच्छ थी, शानदार थी। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से मैं मीन्स नेल्सन मंडेला प्रसन्नता से बड़ी बड़ी हस्तियों और संसार भर के नेताओं से घिरा हुआ था। तो यहाँ पर नेल्सन मंडेला का कहना है कि फॉर द फ्यू डेज आई हैड बीन प्लीजेंटली बिसाइड, प्लीजेंटली मीन्स हैप्पली, बिसाइड मीन्स गेदर्ड डिग्निटरीज गणमान्य व्यक्तियों एंड वर्ल्ड लीडर्स और संसार के नेताओं से घिरा हुआ था। तो यहाँ पर
नेल्सन मंडेला ने कहा 10 मई की सुबह जो है बहुत चमकदार थी, क्लियर थी, दिन बड़ा अच्छा था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लीजेंटली बिसाइड, पिछले कुछ दिनों से मैं प्रसन्नता से बड़ी बड़ी हस्तियों और संसार भर के नेताओं से घिरा हुआ था। द इनाग्रेशन इन द इनाग्रेशन द इनाग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीका साउथ अफ्रीकन सॉइल। यह अंतर्राष्ट्रीय का झमकट का सबसे बड़ा मौका था। तो आप देखिए 10 मई की सुबह बहुत शानदार थी, चमकदार थी। नेल्सन मंडेला संसार के बड़े बड़े नेताओं से घिरे हुए थे जो इस इनाग्रेशन समारोह में वहाँ पर इकट्ठा होकर के नेल्सन मंडेला को थैंक्स कहने आए थे, धन्यवाद देने आए थे। अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का ये बहुत बड़ा जमघट था। आगे देखते हैं। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर। अब सेरेमनी मीन्स इस समारोह का उद्घाटन कहाँ पे होता है, समारोह कहाँ पे घटित होता है, इसको हम देखते हैं। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर फॉर्म बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। प्रिटोरिया की यूनियन बिल्डिंग द्वारा बनाए गए सुंदर रंगशाला में यह कार्यक्रम हुआ। एम्पी थिएटर एक रंगशाला होता है जिसमें छत नहीं होती है, जिसके ऊपर छत। फॉर्म बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। अब आप देखिए प्रिटोरिया की यूनियन बिल्डिंग द्वारा बनाई गई एक सुंदर रंगशाला में यह कार्यक्रम हुआ। फॉर डिकेड्स, डिकेड मीन्स 10 ईयर्स, अनेकों दशकों से दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुपरमेसी। अनेकों दशकों से, बहुत दिनों से यह सीट जो था, यह केंद्र जो है वाइट सुपरमेसी का केंद्र रहा। एंड नाउ इट वॉज द साइट ऑफ ए रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेसिकल गवर्नमेंट। तो अनेकों सालों से, अनेकों दशकों से यह वाइट सुपरमेसी का केंद्र रहा। यहाँ पर अनेकों दशकों से, कई दशकों से यह सीट सफेद सम्राटों की थी और अब यह स्थान था अनेक राष्ट्रों और रंगों से मिलकर बने इंद्रधनुष का जमघट, जो दक्षिण अफ्रीका की पहली प्रजातांत्रिक गैर जातवादी सरकार की स्थापना करने के लिए एकत्रित हुए थे। तो द सेरेमनी टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर। सेरेमनी जो है एक एम्पी थिएटर में संपन्न होती है। एक कार्यक्रम, रंगारंग कार्यक्रम एक एम्पी थिएटर में संपन्न होता है। कई दशकों से यह सीट, यह जगह श्वेत सम्राटों की जगह थी और अब यह स्थान अनेक राष्ट्रों और रंगों से मिलकर बने इंद्रधनुषी जमघट का हो गया था, जो दक्षिण अफ्रीका की पहली प्रजातांत्रिक गैर जातवादी सरकार स्थापित करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। अब आगे हम देखते हैं। ऑन दैट लवली ऑटम डे, ऑटम मीन्स पतझड़ होता है। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज एकम्पनीड बाई माई डॉटर जिनानी। ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लार्क वॉज फर्स्ट सॉर्न इन एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट, देन थाबो मबेकी वॉज सॉर्न, देन थाबो मबेकी वॉज सॉर्न इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। वेन इट वॉज माई टर्न आई प्लेज टू ओबे एंड अप होल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन and to devote myself to the well-being of the republic and its people, to the assembled guest and the watching world, I said. अब आप हम देखते हैं यहाँ पर कि आगे उन्होंने क्या कहा। On that lovely autumn day, इस अच्छे शरद ऋतु के पतझड़ के दिन में आई वॉज एकम्पनीड बाई माई डॉटर जिनानी, मतलब इस समारोह के मौसम पर मंडेला के साथ उनकी पुत्री जिनानी भी थी।
उनकी पुत्री का नाम जिनानी, ऑन द पोडियम, अब पोडियम पे मंच पर श्रीमान डी क्लार्क ने सबसे पहले द्वितीय, अब आप देखिए ऑन द पोडियम, पोडियम माने मंच, यहाँ पर समारोह घटित हो रहा था, मिस्टर डी क्लार्क वाज फर्स्ट सोन एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट। तो सबसे पहले जो है मिस्टर डी क्लार्क को पहले, सबसे पहले शपथ दिलाई जाती है सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में, मीन्स द्वितीय प्रेसिडेंट के रूप में उनको वहाँ की शपथ दिलाई जाती है। देन मवेकी वाज सोन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, और उसके बाद पहले प्रथम डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में मवेकी था, वो मवेकी को शपथ दिलाई गई। व्हेन इट वाज माय टर्न, जब नेल्सन मंडेला की बारी आई, जब नेल्सन मंडेला का टर्न आया, तो आप इसको फिर से देखें, उस प्यारे शरद ऋतु के दिन आई वाज एकम्पनीड बाई माई डॉटर जिनानी, नेल्सन मंडेला के साथ उनकी पुत्री जिनानी थी, मंच पर पोडियम पर श्रीमान डी क्लार्क को सबसे पहले द्वितीय उपराष्ट्रपति की शपथ दिलाई गई, उसके पश्चात मिस्टर डी क्लार्क वाज द फर्स्ट एंड द सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट, देन थाबो मवेकी वाज सोन, उसके बाद थाबो मवेकी ने पहले प्रथम उस राष्ट्रपति की शपथ ली। उसके बाद देखिए आप, व्हेन इट वाज माय टर्न, जब मेरी बारी आई, अर्थात जब नेल्सन मंडेला की बारी आई, आई प्लेज्ड टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बींग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पब्लिक टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड। और जब नेल्सन मंडेला की बारी आती है, तो नेल्सन मंडेला ने प्रतिज्ञा की कि मैं अपने संविधान का परिपालन करूँगा, मीन्स आई प्लेज टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेलबींग ऑफ द रिपब्लिक। तो जब नेल्सन मंडेला की बारी आई, तो नेल्सन मंडेला ने प्रतिज्ञा की कि मैं, उन्होंने इस रूप में शपथ लिया कि मैं अपने संविधान का परिपालन करूँगा और उसका हमेशा सम्मान करूँगा और गणतंत्र तथा उसके लोगों की भलाई के लिए अपने को हमेशा समर्पित करता रहूँगा। आई प्लेज टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेलबींग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड। तो एकत्रित मेहमानों और संसार भर में देख रहे लोगों को मैंने कहा, अब देखिए नेल्सन मंडेला ने कहा क्या, टूडे ऑल ऑफ अस डू बाई आवर प्रेजेंस हेयर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग मस्ट बी आप देखें फिर से, मस्ट बी बॉर्न फिर देखिए, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाई आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग मस्ट बी बॉर्न एज सोसाइटी ऑफ व्हिच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। अब आगे देखिए, नेल्सन मंडेला ने कहा कि आज हम सभी अपनी उपस्थिति से नवजात स्वतंत्रता को सम्मान और आशा प्रदान करते हैं। टुडे ऑल ऑफ अस बी आवर प्रेजेंस अपनी उपस्थिति से कन्फर ग्लोरी मीन्स यश प्रदान और आशा तथा उम्मीद प्रदान करते हैं टू न्यू बॉर्न लिबर्टी इस नई स्वतंत्रता को, नई प्राप्त स्वतंत्रता को। तो आज हम सभी अपनी उपस्थिति से नवजात स्वतंत्रता, नई प्राप्त स्वतंत्रता को सम्मान और आशा प्रदान करते हैं। लंबे समय तक चली विलक्षणता इंसानी बर्बरता के अनुभव से एक ऐसे समाज का जन्म होगा जिस पर समग्र इंसानियत को गर्व होगा, सोसाइटी ऑफ व्हिच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। तो नेल्सन मंडेला कहा कि इस एक्सपीरियंस में एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड, जो बहुत दिनों तक बना रहा,
उसके पश्चात एक ऐसी स्वतंत्रता का जन्म होगा जिस पे पूरे के पूरे लोगों को, पूरे के पूरे इंसानियत को गर्व होगा। बी हूबर, बी हूबर आउटलास्ट नॉट सो लॉन्ग एगो हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आर ओन सॉइल। हम जिसे लंबे बहुत समय तक जातिवाद की नीतियों के कारण अलग रखा गया, नेल्सन मंडेला कहना है कि हमें जिस जातिवाद की नीतियों के कारण लंबे समय तक अलग रखा गया, आज वो अवसर मिल गया है कि हम अपनी ही मिट्टी पर संसार के राष्ट्रों के मेजबान बने, मीन संसार के गणमान्य लोगों का स्वागत करें। तो यहाँ पर लिखा गया कि वी हु वर आउटलास्ट नॉट सो लॉन्ग एगो वी हैव बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर सॉइल। तो हम, मीन्स नेल्सन मंडेला कहना कि हम लोगों को जिन्हें लंबे समय तक जातिवादिता की गलत नीतियों के कारण समाज से अलग रखा गया, आज वो अवसर मिल गया है कि हम अपनी ही मिट्टी पर संसार के लोगों की मेजबानी करें। हम अपने सभी प्रतिष्ठित, आगे देखिए सॉइल, वी थैंक ऑल आर डिस्टिंग्विश्ड प्रतिष्ठित वी ऑल, तो वी थैंक ऑल आर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम टू टेक पोजिशन विच द पीपल ऑफ आवर कंट्री ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल ए कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस फॉर पीस फॉर ह्यूमन डिग्निटी। तो उन्होंने कहा कि हम अपनी धरती पर, मिट्टी पर, हम अपने सभी प्रतिष्ठित, वी थैंक ऑल आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल, तो हम अपने सभी प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का आभार प्रकट करते हैं, हम उनको धन्यवाद करते हैं। हु हैव कम टू टेक पोजिशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री ऑफ वाट, जो हमारे देश के लोगों को आखिरकार साधारण न्याय, कॉमन विक्ट्री, साधारण न्याय फॉर जस्टिस, कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, साधारण न्याय फॉर पीस, शांति और ह्यूमन डिग्निटी। तो जो हमारे देश के लोगों को आखिरकार साधारण न्याय की, शांति की और इंसानी सम्मान की विजय पर हमारा साथ देने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, हम उन गणमान्य जनों का धन्यवाद करते हैं। आगे है, वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, आखिरकार हमें, नेल्सन मंडेला का कहना है कि आखिरकार हमें राजनीतिक स्वतंत्रता मिल गई है, हमने अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता हासिल कर ली है। वी प्लेस आवर सेल्फ टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी। अब नेल्सन मंडेला का कहना है कि हम यह शपथ लेते हैं कि हम अपने लोगों को लगातार चल रही गरीबी की जंजीरों से छुटकारा दिलाएंगे, बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, लगातार बनी हुई गरीबी की जंजीरों से उनको छुटकारा दिलाएंगे, डिप्राइवेशन, जिस चीज़ों से वो वंचित रहें उन चीज़ों को हम उन्हें उपलब्ध कराएंगे। और उसके बाद लिखा, सफरिंग जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, जो कष्ट हैं उनके, जो जाति और अन्य भेदभाव हैं, उनसे हम अपने लोगों को स्वतंत्रता दिलाएंगे। अर्थात अफ्रीका की धरती पर अब रंग भेद जैसे नीति नहीं रहेगी, हम लोग जो मिल करके यहाँ के लोगों को, जो यहाँ की विसंगतियाँ रहें उनसे अलग कराएंगे, उनको चल रही गरीबी की जंजीरों, कष्टों और जात प्रथा के बंधनों से स्वतंत्रता दिलाएंगे। नेबर नेबर एंड नेबर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाई अनदर। अब यह धरती किसी दूसरे के दबाव में नहीं रहेगी या किसी दूसरे का दबाव नहीं स्वीकार करता। अफ्रीका की धरती पर रहने वाले लोगों के
ऊपर अब किसी दूसरे का ऑपरेशन नहीं रहेगा। तो उन्होंने कहा कि अब फिर यह सुंदर धरती नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड, अब यह सुंदर धरती एक दूसरे पर शासन नहीं झेलेगी। मीन्स यह यहाँ के लोग स्वतंत्र रूप से रहेंगे, यहाँ के लोगों के ऊपर अब दमनकारी कोई बात नहीं आएगी, हम इन लोगों को तमाम दमन से अनेकों दमन से छुटकारा दिलाएंगे। जैसे गरीबी हुआ, जाति बंधन हुआ, द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस ए ह्यूमन अचीवमेंट, अब इस इंसानी मानवीय प्राप्ति का सूर्य कभी नहीं डूबेगा। मीन्स द सन विल नेवर सेट, अब यहाँ पर जो स्वतंत्रता मिल गई है इस स्वतंत्रता का सूर्य कभी नहीं डूबेगा, इसका कभी अंत नहीं होगा। लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका, अब एक इंसानी प्राप्ति का सूर्य कभी नहीं डूबेगा, स्वतंत्र शासन करें ईश्वर अफ्रीका को, इस तरह का आशीर्वाद दें कि अफ्रीका हमेशा स्वतंत्र रहे। लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका, नेल्सन मंडेला ने अपने समारोह में ये बात लोगों के सामने रखी कि अफ्रीका के ऊपर अब किसी का दबाव नहीं रहे, अफ्रीका के धरती पर अब कोई दमनकारी प्रक्रिया नहीं रहेगी, प्रवृत्ति नहीं रहेगी, लेट फ्रीडम रेन, और यहाँ पर स्वतंत्रता का शासन रहेगा, ईश्वर अफ्रीका की धरती को इस तरह का वरदान दें। उन्होंने ऐसी कामना व्यक्त की ईश्वर की कृपा से अफ्रीका की धरती पर कोई दमनकारी प्रवृत्ति का बोलबाला न रहे। अ फ्यू मोमेंट्स लेटर वी आर लिफ्टेड आवर आइज इन आ एज ए स्पेक्टुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप कैरियर्स रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग। इट वॉज नॉट ओनली ए डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन एंड मिलिट्री फोर्स बट ए डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड ओनली मोमेंट्स बिफोर द हाइएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस दियर चेस्ट बिडेक्ड विथ रिबन्स एंड मेडल्स फ्रॉम डेज गॉन बाय सल्यूटेड मी एंड प्लेज्ड दियर लॉयल्टी। अब आप फिर देखिए, फ्यू मोमेंट्स लेटर, कुछ ही क्षणों बाद, वी आर लिफ्टेड आवर आइज इन आ, हम लोगों ने भय से अपनी आँखें ऊपर की, तो कुछ क्षणों के बाद ही, अब आप यहाँ देखिए, ए फ्यू मोमेंट्स लेटर वी आर लिफ्टेड आवर आइज इन आ एंड स्पेक्टुलर अरे ऑफ साउथ अफ्रीका, अब अरे मीन्स इम्प्रेसिव डिस्प्ले होता है। आप देखिए, कुछ क्षणों के बाद हम सभी ने आदर से आश्चर्य भरे दृष्टि उठाई, एक शानदार दक्षिणी अफ्रीकी जेट हेलीकॉप्टर और ट्रूप की पंक्तियों पर, जो कि यूनियन बिल्डिंग के ऊपर ऊपर से एक बढ़िया पंक्तियां बना रहे थे, अफ्रीकन जेट्स हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप्स कैरियर्स रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग, जो यूनियन बिल्डिंग के ऊपर एक पंक्ति का निर्माण कर रहे थे, वह न केवल ओवर द, इट वॉज नॉट ओनली ए डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन एंड मिलिट्री फोर्स, वह न केवल सैन्य शक्ति और निश्चितता का प्रदर्शन था, बल्कि एक नमूना था वफादारी का प्रजातंत्र में, और स्वच्छ तथा सही तरीके से चुनी गई सरकार के उच्च अधिकारियों ने, जिनके सीने रेवन से और मेडल से चमक रहे थे, उन्होंने मंडेला को सलामी दी और वफादारी की शपथ ली डेमोक्रेसी। उसके बाद आगे देखिए, सल्यूटेड मी एंड प्लेज्ड दियर लॉयल्टी, और उन्होंने वफादारी की शपथ ली। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट
not so many years before, they would not have saluted, but arrested me. अब आगे उन्होंने कहा कि मुझे सपंदित इस तथ्य से भी मैं बेखबर नहीं था कि कुछ साल पहले तक वह मुझे सलामी नहीं दे रहे थे, बल्कि वह मुझे अरेस्ट कर रहे थे, गिरफ्तार कर रहे थे, गिरफ्तारी के लिए गिरफ्तार करते थे। अंत में वी शक्ल में इम्पाल जेटों, इम्पाला जेट्स लेफ्ट ए स्मोक ट्रेल, ट्रेल माने पंक्तियां होती हैं, ऑफ द ब्लैक रेड ग्रीन ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। तो अब आप देखिए कि अंत में वी आकार की शक्ल में, वी आकार में इम्पाला जेट्स, इम्पाला जेटों, जेटों ने एक अंत में वी आकार के इम्पाला जेटों की एक टुकड़ी आती है, टुकड़ी आई और जो दक्षिण अफ्रीका के झंडे के काले, आप देखिए ब्लैक रेड लाल ग्रीन ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग, और जो दक्षिण अफ्रीका के काले झंडे के काले लाल हरे नीले और सुनहरे रंग की तरह धुआं छोड़ रहे थे। मींस अंत में इम्पाला जेट्स की टुकड़ी आई जो अफ्रीका के झंडे के काले लाल हरे और नीले सुनहरे रंग के झंडे के समान धुआं छोड़ रहे थे। अब आगे देखिए आप, द डे वाज सिंबलाइज्ड, द डे वाज सिंबलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम्स, टू नेशनल एंथम, वह दिन मेरे लिए यादगार तंत्र बन गया, द डे वाज सिंबलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग फॉर आर टू नेशनल एंथम्स, वह दिन मेरे लिए एक यादगार का दिन बन गया जब हमारे मीन्स धरती पर दो राष्ट्रगीत गाए गए, फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम एंड द विजन ऑफ वाइट्स सिंगिंग, श्वेतों ने कांसी सिकलेल, विजन कांसी सिकलेल अफ्रीका एंड ब्लैक्स सिंगिंग डाई स्टेम, जब श्वेतों ने कांसी सिकलेल आई अफ्रीका और अश्वेतों ने गणतंत्र का पुराना डाइस्टम मींस डाइस्टम एंड ब्लैक सिंगिंग डाइस्टम, जब अश्वेतों ने गणतंत्र का पुराना गान डाइस्टम गाया एंड ब्लैक सिंगिंग डाइस्टम द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, ऑल्दो दैट डे नीदर ग्रुप न्यू देयर लिरिक्स ऑफ द एंथम दे वंस डिस्पाइज्ड दे वुड सून। अब आप देखिए इसमें, यद्यपि उस दिन किसी भी ग्रुप ने राष्ट्रीय गान को सही धुन में नहीं गाया, जिन्हें उन्होंने कभी ही निम्न नज़रों से देखा था, पर वह शीघ्र ही शब्दों को दिल में उतार गए। तो बच्चों आज हम लोग बस इतना अध्ययन करते हैं, नेक्स्ट टर्न पे हम आगे आपको पढ़ाएंगे। इसी के साथ हम मिलते हैं दूसरे दिन, आज बस इतना हम पढ़ेंगे, इसको आप बीच बीच में दिमाग में रखते रहिए और इसको पढ़ते रहिए। थैंक्स।